कवर्टा खाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ बोरीखाल विकास खंड में जबरदस्त तेंदुमारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से एक दिन पहले बीजेपी को करारा झटका लगा। आज बीरोखाल ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडकारी अपने समर्थकों और लगभग 40 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय देहरादून में विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के हाथों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजेश के साथ उनकी जिला पंचायत सदस्य पत्नी राधा कंडारी भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वर्तमान में पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई आदि मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अवट्टाखाल से भाजपा से विधायक हैं। तो पीएम के आगमन से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2022 के लिए बीजेपी के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि पौड़ी की हॉट सीट है चौबट्टाखाल, जहां पर बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ बोरीखाल विकासखंड में जबरदस्त सेंधमारी हो चुकी है। इस सेंधमारी की वजह से बीजेपी को करारा झटका लगा है। बोरीखाल ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी अपने समर्थकों और लगभग 40 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय देहरादून में विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के हाथों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजेश के साथ उनकी जिला पंचायत सदस्य पत्नी राधा कंडारी भी कांग्रेस में शामिल हो गई है। वर्तमान में पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई आदि मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अवट्टाखाल से भाजपा के विधायक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल अपने साथ साथ 40 ग्राम पंचायतों और अध्यक्षों को भी उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राजेश कंडारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, इतना ही तमाम और जो समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो मेरे सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, बस संपर्क साधेंगे। फिलहाल जानकारी आपको बता दें कि पौड़ी से मिल रही है, जहां पर राजेश कंडारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भगवान भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्र की होती है, और हमारा सौभाग्य था कि हमारे जो स्थानीय विधायक तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कद्दावर बनती थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा लोक निर्माण विभाग का डिवीजन बैजरों में, वहाँ पे अधिशासी अभियंता हटे, वहाँ पे अधिशासी अभियंता अभी तक नहीं आए। दो एज हटे थे, वो भी वहाँ पे आए नहीं। सड़कों की हालत खस्ता है, पेयजल की तमाम लिफ्टिंग पेयजल योजनाएं अभी लंबित हैं। विकास के नाम पर वहाँ पे पूरा विकासखंड चौबट्टाखाल के नाम पे रुका हुआ, चाहे सीएमसी की झीलों, सतपुली की झीलों, खैरासैन की झीलों, या महाविद्यालयों में उच्चीकृत जो पद स्वीकृत होने थे उनकी बात हो, सब रुके हुए हैं। और बड़े अफसोस के साथ सब लोगों ने निर्णय लिया कि राजनीतिक रूप से जो लोग सक्रिय हैं, अगर वो अपने क्षेत्रों में सक्रिय नहीं रहते तो उनका विरोध किया जाए। तो पीएम के आगमन से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पौड़ी की हॉट सीट कहे जाने वाली चौबट्टाखाल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। दरअसल यहां पर राजेश कंडारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, उनके साथ समर्थक और लगभग 40 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मेरे सहयोगी सुभाष ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? सुभाष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। सुभाष, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? राजेश कंडारी जो हैं अपनी पत्नी और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि भाजपा को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजेश कंडारी एक बड़े ही कद्दावर नेता, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि ब्लॉक प्रमुख अभी बोल रहे हैं, और साथ ही 40 ग्राम प्रधानों को भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया। यानी कि कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पंचायत में एक महत्वपूर्ण भूमिका राजेश कंडारी की रही है, और कुल मिला के बिखोला जो प्रमुख, जहाँ के पंचायत प्रमुख थे वो, उन क्षेत्र की जो जनता है, कहा जा सकता है क्षेत्र के जो प्रधान थे वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बड़ा झटका कहीं ना कहीं अब लगता हुआ भाजपा को नजर आ सकता है। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चौबट्टाखाल से भाजपा से विधायक है, उन्हें कितना नुकसान हो सकता है इससे? जी बिल्कुल, क्योंकि सतपाल महाराज का गढ़ माना जाता है चौबट्टाखाल, और चौबट्टाखाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे राजेश कंडारी, और कहा जा सकता है कि यही वजह है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर उनकी सतपाल महाराज और भाजपा से चल रही थी, यही कारण है कि उन्होंने
जो कांग्रेस का दामन थामा और उसका खामियाजा सतपाल महाराज को नहीं बल्कि उस क्षेत्र के तमाम लोगों को और भाजपा के समर्थकों को भी भुगतना पड़ सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका वो चुनाव में अदा करते थे और कहीं ना कहीं लगभग 40 ग्राम पंचायतों के जो प्रधानगण हैं वो भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो कहा जा सकता है एक बड़ी संख्या में जनसंख्या यानी कि जो वोटर्स है, बड़ा वोटर्स है चौपटिया काल का, वो अब कांग्रेस में शामिल हो चुका है। जी बिल्कुल सुभाष, यानी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इससे अगर चौबटा खाल की मैं बात करूं तो यहां पर कितने ज्यादा वोट बैंक कितना अच्छा है बीजेपी का और इससे कितना ज्यादा असर यहां पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है कि चौबटा खाल वो विधानसभा है जो लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अगर बात की जाए तीरथ सिंह रावत, तो वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे विधानसभा में, वो यहाँ से विधायक रहते थे, लेकिन क्योंकि 2017 में सतपाल महाराज को यहाँ से टिकट दिया गया था और कहीं ना कहीं वो भी एक बेहतर जीत के साथ विधानसभा पहुंचे थे, तो लेकिन अब क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो गढ़ भाजपा का माना जाता है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पाले में जरूर जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगभग 40 ग्राम प्रधान यानी कि एक ग्राम सभा में जो मुखिया होता है प्रधान वो भी कांग्रेस में शामिल है और लगभग 40 ऐसे प्रधान हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं राजेश कंडारी के साथ, और क्योंकि वो ब्लॉक के प्रमुख भी नए हैं तो पूरे ब्लॉक की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यशैली है, जो लोग हैं वो प्रमुख से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रमुख उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रधानों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी क्षति भाजपा को चौपटिया खाल में नजर आ सकती है। बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये खबर सामने आई जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पौड़ी के चौबट्टा खाल में कहीं ना कहीं